और डायरेक्शन दीजिए कि करप्शन पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, चाहे कोई हुकूमती शख्स हो, कोई वजीर हो, कोई एमपीए हो, कोई एमएनए हो, तरीके इंसाफ का कोई भी शख्स हो, अपने लोगों को नहीं छोड़ेंगे तो बाहर की तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और इसी वजह से इमरान खान साहब ने आज बैरिस्टर सैफ, जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा के इंफॉर्मेशन के ओहदे पे एज ए मिनिस्टर ड्यूटी दे रहे हैं, उनको इमरान खान साहब ने मेरे कहने पे डायरेक्ट ऑर्डर्स दिए हैं कि आप अली अमीन खान गंडापुर और ब्रिगेडियर मुसद्दिक अब्बासी साहब जो वहाँ एहतसाब को देख रहे हैं कि आप वहाँ करप्शन के पीछे जाइए, और जो शख्स भी करप्शन कर रहा है, कमीशन खाता है, चाहे हकूमती हो या कोई और हो, सियासी बुनियाद पे नहीं, लेकिन जो शख्स करप्शन करेगा ये खातिर जमा रखे, भूल जाए ये बात कि वो हुकूमत में बैठा है, कोई एमपी है, एमएनए है या कोई हुकूमती शख्स है, उसको छोड़ा जाएगा, क्योंकि अवाम ने हमें मेरिट के लिए और एहतसाब के लिए जो है वो वोट दिया है। बहुत खुशी हुई आज इमरान खान साहब को उन्हीं चीज़ों पे उसी तरह पक्का खड़ा होते हुए देख के कि करप्शन पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। 9 मई के हवाले से उनका वही बयानिया है जो पहले दिन था कि ना मैंने कॉल दी और ना मैंने किसी को कोई जगह बताई है 9 मई के हवाले से कि आप 9 मई के दिन जाके यहाँ एहतजाज करें या वहाँ एहतजाज करें। और रिजर्व सीट्स के हवाले से इमरान खान साहब की क्लियर डायरेक्शन है कि इसमें किसी सूरत में हम ज्यादती नहीं होने देंगे, ये कारकुनान का और हकदारान का हक है, जिसका हक है उसको दिया जाएगा इंशाल्लाह। और आखिर में एक बार फिर ये बात करना चाहता हूँ, हम मुहब्ब वतन जमात हैं, हमारे साथ करोड़ों मुहब्ब वतन पाकिस्तानी जुड़े हुए हैं। जो लोग मीडिया पे सियासी तनकीद करते हैं उनको दहशतगर्दों से ना जोड़ें, डिजिटल टेररिस्ट की जो इस्तेलाह मुतारफ कराई गई है उनको कहना चाहता हूँ, दहशतगर्दी में और तनकीद में फ़र्क है, लोगों की जबाबंदी नहीं होनी चाहिए। हाँ, जो लोग रियासत के खिलाफ हैं, जो इस्लाम के खिलाफ या हमारे इदारों पर हमलावर होते हैं, उसके खिलाफ हम सबका बयानिया एक है, लेकिन हमारे बेगुनाह सोशल मीडिया वर्कर्स, जिस तरह हमारी लीडरशिप है, हमारे जो कारकुनान दफ्तर से और मुलाजमीन गिरफ्तार हुए हैं, रफीक बेचारा बलोचिस्तान से वहाँ 30-40 हज़ार का मुलाजिम होगा, उसको आपने क्यों गिरफ्तार किया है? उसके साथ हमारे अलवी हैं, आरिफ अलवी साहब नहीं, हमारे दफ्तर में हमारा एक भाई है अलवी, उसको उठाया गया है। जिस तरह आप जी, जिस तरह आपने राशिद भाई हमारा, मैं तो जब से पीटीआई में हूँ मैं राशिद भाई को देख रहा हूँ, जिस तरह आपने राशिद भाई को उठाया है, क्या जुल्म है? वो तो एक तरीके इंसाफ का एक बुनियादी कारकुन है, ना एमपी है, ना एमएनए है, ना उसका सोशल मीडिया से कोई लेना देना है, ना वो बेचारा इन चीज़ों को समझता है। फिर रिजवान को आपने उठाया है, उसकी बूढ़ी माँ है, उसके बच्चे हैं, रिजवान को 20 दिन से ज़्यादा हो गए, कोई उसका था पता नहीं है। और फिर रऊफ हसन 75 साल कैंसर सर्वाइवर, आज आपको दहशतगर्द भी नजर आ रहा है, आज आपको पता नहीं वो क्या क्या नजर आ रहा है। असल में उसका गुनाह ये है कि वो लगी लिपटी रखे बगैर इमरान खान साहब को सपोर्ट करता है और वो खड़ा है इमरान खान के साथ। मैं समझता हूँ रऊफ हसन साहब को रहा किया जाना चाहिए, और उसी तरह हमारे बेगुनाह कारकुनान और दफ्तर के मुलाजमीन जिनको उठाया गया है, इससे रियासत की कोई खिदमत नहीं होगी। जो बच्ची अरूबा को उठाया गया, आप मुझे बताएं, छोटी निहती बच्ची से रियासत को, हुकूमत को क्या कुछ संगीन खतरात थे? अदालत ने छोड़ दिया, क्या इज्जत रह गई आपके मुंह पे? अदालत ने तो आपके 11 लाख कहते हैं जनाब, 11 लाख वो अकाउंट चला रही थी, वो बच्ची बेचारी किस तरह से चला रही थी अकाउंट? इसलिए हम कह रहे हैं ये मसाइल का हल नहीं है। हुकूमत को आखिरी बात करना चाहता हूँ, आखिरी बात, और ये बहुत अहम है, इमरान खान साहब ने इसको आज वाजे किया, मैं मौजूद था, इंतज़ार पंजोता मौजूद थे, बैरिस्टर सैफ मौजूद थे, इमरान खान साहब ने कहा हमारे आज भी वो मुतालबात हैं, असीरान की रहाई, इमरान खान ने कहा, और हमें हमारा मैंडेट वापस दिया जाए। मैंडेट जब वापस मिलता है उसके बाद नए इलेक्शन की तरफ जाने का सोचा जाएगा, लेकिन हमारा दूसरा बड़ा मुतालबा आज इमरान खान साहब ने अडियाला में कहा है कि असीरान की रहाई, अपनी बात आज भी कौम के लीडर ने नहीं की। इमरान खान ने अपने मुंह से लफ्ज इमरान खान नहीं निकाला, उसने आज भी अपने वर्कर की बात की है, उसने आज भी अपने ख्वातीन असीरान की बात की है, और उसने ये कहा है कि हमें हमारा मैंडेट वापस दिया जाए। इसलिए मुसद्दिक मलिक साहब जो हुकूमती वजीर हैं उनका, और या जो खुर्रम दस्तगीर साहब, उनकी तरफ से भी मुज़ाकरात की बात हुई, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, अगर हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा है
तो फिर मुल्क की सबसे बड़ी जमात पे पाबंदी लगाना और आर्टिकल 6 की बातें, ये किस तरह आपको फिर जचती हैं? या फिर आप मुज़ाकरात करें या फिर तहरीक इंसाफ पे हमलावर हों, लेकिन हम अगर पॉजिटिव मुज़ाकरात होते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड मीनिंगफुल, जिसमें असीरान की रहाई होती है और मैंडेट की वापसी, उससे मुल्क के मसाइल का हल निकलेगा। इदारों से लड़ना हमारा मतमा नज़र नहीं है, हम एस्टेब्लिशमेंट या इदारों के कोई दुश्मन नहीं हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने यह बात वाज़े तौर पर की है कि इदारों को कहा था कि आप न्यूट्रल हो जाइए, मतलब यह है सियासी मुकाबले में आप ना आइए, आपका एक मकाम है सियासत, सियासतदानों के लिए छोड़ दीजिए। बहुत शुक्रिया। दूसरा सवाल ये लेने के, आज उन्होंने कहा कि हम फौज के साथ मुज़ाकरात करने के हामी हैं और फौज अगर अपना नुमाइंदा मुकर्रर करें तो हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, फिर आप इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं, मुज़ाकरात भी करना चाह रहे हैं, तो ये कैसे सूरत हाल बेहतर? तीन बड़े बुनियादी भाई आपने सवाल पूछे हैं, चार बल्कि, आपका शुक्रगुजार हूँ। बाज़ औक़ात सवाल से बहुत से भाम क्लियर होते हैं। 9 मई का सबसे अहम है, उस पर इमरान खान साहब ने आज फिर इसकी वजाहत की है और क्लियर मौक़िफ़ दिया है, और रिटन में हमारा स्टेटमेंट भी जो है हमारे वकला दे देंगे कि इमरान खान साहब 9 मई के दिन ज़ेर हिरासत थे, वो कॉल दे ही नहीं सकते थे, इसलिए नहीं दी, और 9 मई के हवाले से किसी भी जगह इमरान खान साहब ने किसी को ये नहीं कहा कि आप फला जगह जाएं या यहाँ जाएं या वहाँ जाएं। हाँ, 18 मार्च को जब उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई थी और घर पे उससे पहले हल्ला बोला गया, तब उन्होंने कहा था कि आप पीसफुल एहतजाज कीजिए। दूसरी बात, जहाँ तक जमात इस्लामी का आप फरमा रहे हैं, जमात इस्लामी के धरने में हमारी लीडरशिप, आज हमारी 3 बजे पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग है, खान साहब के अहकाम वहाँ पहुँचा दिए जाएंगे, उसके बाद वो फैसला करेंगे कि हमारी लीडरशिप में से कौन लोग जमात इस्लामी के हाफिज़ साहब के साथ, हाफिज़ नईम साहब की बात कर रहे हैं, और उसके साथ साथ साबिक उनके अमीर सिराज लाला, वो सारे उधर होंगे, वजाहत अच्छी होती है ना, पता नहीं क्या का क्या बना ले, तो वहाँ जाके वो उसमें इंशाल्लाह शिरकत करेंगे। जहाँ तक सवाबी के जलसे का ताल्लुक है, तो सवाबी का जलसा इंशाल्लाह प्रोग्राम फाइनलाइज होता है तो भरपूर होगा और लोग इंशाल्लाह देखेंगे, एक तारीख साज इंशाल्लाह जलसा होगा। चौथा एक नुक्ता और भी आपने पूछा, देखिए फौज के हवाले से, एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो बात आपने की है, हमारा इदारा है, इमरान खान साहब ने हमेशा ये बात की कि फौज मजबूत होगी तो पाकिस्तान मजबूत होगा। हाँ, पाकिस्तान के सियासी उमूर में एस्टेब्लिशमेंट के रोल के वो हमेशा खिलाफ रहे हैं, बाकी उनसे अगर गुफ्तगू होती है, कोई एंगेजमेंट होती है जिससे गलत फहमियाँ दूर होती हैं, तो ये अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।